वीरांगना फूलन देवी का। एक साक्षात्कार में उनसे पूछा गया कि क्या आप दोबारा फूलन देवी बनकर यास्त्री बनकर आना चाहती हैं। उन्हें कहा नहीं, मैं किसी भी रूप में यहाँ पर जन्म लेना चाहूँगी लेकिन स्त्री बनकर नहीं आना चाहूँगी, क्योंकि स्त्री ऊपर से दलित जाति से आने वाली स्त्री और ऊपर से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते अंततः वो वीर गति को प्राप्त हुई और उनको सामाजिक न्याय नहीं मिला। जातिवाद से कैसे लड़ाई लड़ेंगे जब आपके आपके पास जातिगत आधारित आंकड़े नहीं है। सबसे पहले मैं एड्रेस करना चाहती हूँ बिफोर कास्ट सेंसस, वो इसलिए कि कास्ट सेंसस के भी नेपथ्य में सोशल जस्टिस है। अनअपोलॉजिटिकली मैं कुछ ऐसे शब्द बोलूंगी मन से जो मुझे बोलना ज़रूरी है सोशल जस्टिस के बारे में अपनी बात उद्धरण करने के लिए। आपको याद होगा भवरी देवी का केस, राजस्थान हाई कोर्ट ने एक स्टेटमेंट उद्धरण हुआ राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से जहां कहा गया अ मेंबर ऑफ द हायर कास्ट कैन नॉट रेप अ लोअर कास्ट वुमेन बिकॉज ऑफ रीजन ऑफ प्योरिटी। मैं अपनी साहित्यिक भाषा या अपनी पत्रकारिता की भाषा में कहूँ तो यानी कि एक समर जाति का आदमी लोअर कास्ट की स्त्री के योनि में अपना लिंग इसलिए नहीं रखेगा क्योंकि वो निम्न जाति से आती है और इसलिए ये माना जाए कि उस निम्न जाति से आने वाली महिला का बलात्कार समर जाति वाले व्यक्ति ने नहीं किया है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि ताकि आप समझें कि क्यों ज़रूरी है कास्ट सेंसेस, ये कितना भयावह स्टेटमेंट था और इस पर जिस तरह से प्रतिकार होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ये इकलौता उदाहरण है। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूँगी वीरांगना फूलन देवी का। एक साक्षात्कार में उनसे पूछा गया कि क्या आप दोबारा फूलन देवी बनकर यास्त्री बनकर आना चाहती हैं। उन्हें कहा नहीं, मैं किसी भी रूप में यहाँ पर जन्म लेना चाहूँगी लेकिन स्त्री बनकर नहीं आना चाहूँगी, क्योंकि स्त्री ऊपर से दलित जाति से आने वाली स्त्री और ऊपर से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते अंततः वो वीर गति को प्राप्त हुई और उनको सामाजिक न्याय नहीं मिला। जड़ें कितनी गहरी हैं इस पर तमाम साथी लोग बात कर चुके हैं। प्रियांशी, जब आप बात कर रही थी अपना इनिशियल स्टेटमेंट दे रही थी तो आप बार बार मेजर्स की बात कर रही थी, कास्ट सेंसस को, कास्ट सेंसस किस लिए ज़रूरी है, किस मेजर्स के लिए ज़रूरी है। मुझे पीटर ड्रकर का एक स्टेटमेंट याद आया। पीटर ड्रकर ऑस्ट्रियन अमेरिकन मैनेजमेंट काउंसलर रहे हैं, 2005 में उनका देहांत हो गया। उनका स्टेटमेंट था व्हाट गेट्स मेजर्स गेट्स मैनेज्ड। तो आप जातिवाद से कैसे लड़ाई लड़ेंगे जब आपके आपके पास जातिगत आधारित आंकड़े नहीं हैं। यहाँ पर मैं बार बार ये कहती हूँ कि जब मैं हम लोग जाति जनगणना के पक्ष में बात कर रहे हैं तो हम जातिवाद के खिलाफ तो बात कर रहे हैं, लेकिन जाति आधारित जनगणना हम इसलिए जाते हैं ताकि जातीय चेतना हमारी बनी रहे। हम जातीय चेतना के पक्ष में हैं। क्योंकि मेरा साहित्यिक एक्यूमेन है तो मुझे डॉक्टर तुलसीराम जी की आत्मकथात्मक जो दो वॉल्यूम में है, पहला मुर्धैया दूसरा मणिकर्णिका, मुर्धैया में एक संस्मरण आता है, वो संस्मरण 1958 का है और वो संस्मरण इसलिए क्योंकि उस समय बीएचयू में एक फॉर्म दिया जाता था एडमिशन के लिए और जिसमें एक सवाल होता था एडमिशन फॉर्म में, स्पष्ट तौर से पूछा जाता था आर यू ब्राह्मण और नॉट अ ब्राह्मण, क्या आप ब्राह्मण हैं या आप गैर ब्राह्मण हैं। ये उस समय बीएचयू के एडमिशन फॉर्म में एक सवाल होता था। उस समय इस सवाल का बहुत विरोध हुआ, कमिटीज़ बैठी, कई लोग बर्खास्त हुए, दक्षिणवाद का आरोप लगा, क्षेत्रीयवाद का आरोप लगा और एक उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे कालू श्रीमाली जी, उन्होंने
मुदालियार कमीशन भी बिठाया, जिसके तहत तमाम उस समय के जो पढ़ाने वाले शिक्षक थे, जिसमें नामवर सिंह जी थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, राजबली त्रिपाठी जी थे, तमाम लोग बर्खास्त भी किए गए। नाम मैं बोल रही हूँ, सरनेम आप सुन रहे होंगे, लेकिन मैं कहूँगी सरनेम पर ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा, उसके पीछे जो एक ब्राह्मणवाद है उस पर फोकस कीजिएगा। उस वक्त तुलसीराम जी बार बार कहते हैं कि ये स्टेटमेंट इतना ज़्यादा हाहाकार मचा रहा था कि उस समय के जो छात्र नेतागण थे और तमाम लोग थे, एक आंदोलन उन्होंने किया और बाद में वो आंदोलन आगे के छात्रों ने किया, 1966 में भी आगे ले गए। लेकिन इस विषय पर जब मैं विचार कर रही थी तो मुझे लगा कि उस समय हो सकता है कि ये सवाल कि आर यू ब्राह्मण नॉट ब्राह्मण, उस समय वो सवाल हमें परेशान कर सकता है, लेकिन आज के कास्ट सेंसस पर जबकि अनकॉन्स्टिट्यूशनली 10% EWS आ गया है, तो ये सवाल भी अब कास्ट सेंसस में जोर देना चाहिए कि आर यू ब्राह्मण और नॉट ब्राह्मण एंड यू बिलोंग्स टू विच कैटेगरी एंड व्हाट इज योर सब कैटेगरीज इन द ब्राह्मणिज्म। मुझे एक बात और कहनी थी, वो ये कि किस षड्यंत्र के तहत बार बार एग्जीक्यूटिव्स ने रोके रखा कि जनगणना तो हो लेकिन जाति जनगणना ना हो। एक साथी 1931 का जिक्र कर रहे थे और उसके पहले 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 गए और 1901 के भी कास्ट सेंसस की बात उन्होंने की, पर जब इसके और इतिहास में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कॉलोनियल एक्सरसाइज था जो कि 1881 से भारत में आ गया था। तो उस वक्त से वो जाति जनगणना कर रहे थे और 1931 के बाद ये खत्म हो गया और हमारे पास जो एक सो कॉल्ड डाटा है वो 1931 का है, जिसके बेस पर हम OBC आरक्षण करते हैं। कमाल की बात ये है, हास्यास्पद बात ये है कि क्योंकि आपके पास 1931 का कुछ तो OBCs का डाटाज हैं, उस पर भी आपने इलेक्टोरियल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ MP MLAs में आरक्षण नहीं दिया OBC में, लेकिन आपके पास किसी तरह का इम्पीरिकल डाटा नहीं है फॉर 10% EWS, क्योंकि बेसिकली उसका नाम जो दिया गया है ऑफिशियली इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उसका नाम है सवर्ण जाति के लिए आरक्षण। तो किस तरह से लगातार एक षड्यंत्र के तहत हमें बार बार ये बताया जा रहा है कि आरक्षण की बात तो हम करेंगे साहब, लेकिन जातिगत आरक्षण की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें OBSC ST के जो रिप्रेजेंटेटिव्स जो जिसकी बात सर कह रहे थे कि आरक्षण कहाँ से शुरू हुआ था, आरक्षण का जो बेसिक मूलभूत जो बात थी वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट सेंसस को देश में रखकर शुरू हुआ था, उसकी बात करनी है। लगातार मंडल कमीशन की बात होती है, रोहिणी कमीशन हमारे बीच आया जहाँ पर परसेंटेज में आंकड़े तो आए लेकिन हमारे पास कुछ एक पुख्ता रिपोर्ट नहीं आई। 2011 में कास्ट सेंसस होता है और तमाम सिस्टम से लैस हमारा विश्व गुरु बनने का जो भारत है वो कहता है कि हमसे कुछ त्रुटि हो गई, हम ठीक से सवाल नहीं गढ़ पाए कि हमारे पास कास्ट आधारित सटीक आंकड़ा नहीं आ पाया। वी आर इन द 21st ऑफ सेंचुरी, वी हैव AI नाउ, वी हैव थम इम्प्रेशंस, आँख की रोशनी से हम आधार कार्ड से सारा सब कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मजाक चल रहा है यहाँ पर, लेकिन ये मजाक बहुत दिन तक नहीं चलने वाला, क्योंकि मैं अयोध्या से हूँ तो पिछले दिनों मुझे खुश होने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं जानती हूँ कि जब ये अवसर जो मुझे मिला है अयोध्यावासी होने के नाते, जहाँ पर BJP बहुत बुरी तरह से परास्त हुई है, अगर वो जाति जनगणना नहीं कराते हैं तो अयोध्या ज़िले के वासी होने के नाते जो आनंद मुझे प्राप्त हो रहा है वो तमाम जिले के वासियों को प्राप्त होगा आने वाले समय में, जैसा कि हमारे नेता साहब कहकर भी गए कि अच्छे दिन आने वाले हैं और हमारी जो एकता है वो सिर्फ इस हॉल के भीतर बैठे हुए शख्सियतों पर नहीं आधारित है, वो तमाम और जगह पर भी प्रतिनिधित्व कर रही है, जागरूकता दे रही है, जहाँ से हम अपनी अपनी बात कर रहे हैं सड़कों पर उतरकर, मंचों पर और वोट के सहारे भी। मैं एक जगह पढ़ रही थी कि जब 1935 में मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में पहला मेडिकल बैच आया, तो मुझे लगा कि पहला मेडिकल बैच है वो भी कलकत्ता में, तो मैं ढूंढने लगी कि इसमें SC ST से कितने स्टूडेंट हैं। ऑलमोस्ट
नो, ना के बराबर एक भी SC ST कैटेगरी से आने वाला स्टूडेंट नहीं था। और हद तब हो गई जब मैं इसके आगे और पढ़ने लगी, हद तब हो गई जब पता चला कि मेडिकल, जब पता चला कि मेडिकल कॉलेज में एनाटॉमी की क्लासेस नहीं हो रहे हैं। एनाटॉमी के मतलब समझते हैं ना आप। एनाटॉमी की क्लासेस इसलिए नहीं चल रही थी कि अपर कास्ट के स्टूडेंट्स लोगों ने लोअर कास्ट की लाशों को, लाशों पर पढ़ाई करने से इनकार कर लिया था, यानी कि उनकी लाशों को छूने से इनकार कर दिया था। ऐसी स्थिति में कास्ट सेंसस क्यों ना हो, ऐसी स्थिति में जाति जनगणना क्यों ना हो।